हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल एट दिस टेस्ट बुक प्लेटफॉर्म। सो आज के सेशन पे हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब की विशेषताओं के बारे में। आखिर ये क्या विशेषताएं हैं इस जॉब में, आखिर क्या फैसिलिटीज हैं जो इस जॉब को इतना अट्रैक्टिव बनाती है। तो अगर हम उन कुछ चुनिंदा विशेषताओं की बात करें जो कि हर जॉब में होती है और इस जॉब में वो क्या है और वो कैसे अन्य जॉब से अलग है, तो सबसे पहली जो विशेषताएं होती हैं वो अगर आप देखोगे तो वो क्या होती है, हमारी सैलरीज होती है, हमारा वर्क कल्चर कैसा होता है, हमारा इन्वॉल्वमेंट कैसा होता है, हमें सोसाइटी में स्टेटस कैसा होता है। ये सारी तो जाहिर सी बात है विशेषताओं के ऊपर हम बात करने वाले हैं। बट अगर मैं बताऊं असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब, तो ये बहुत सारे बच्चों का सपना होता है कि मैं फ्यूचर में असिस्टेंट प्रोफेसर बनूं, ठीक है। और ये जॉब का जो सम्मान है वो सिर्फ हमारे देश में नहीं है बल्कि दुनिया के हर हिस्से में प्रोफेसर्स को काफी सम्मान दिया जाता है, लेक्चरर्स को काफी सम्मान दिया जाता है दुनिया के हर यूनिवर्सिटी में, चाहे कितने से भी कितने डेवलप्ड कंट्री को ले लो, हर जगह आपको इस जॉब की एक अलग सोसाइटल वैल्यू देखने को मिलेगी। तो हम लोग देखते हैं कि इस जॉब में ऐसी क्या खासियत है जो इसे इतना अट्रैक्टिव बनाती है कि आप, हम और लाखों युवा हमारे जैसे इस जॉब की चाहत में रहते हैं। तो सबसे पहला किसी भी जॉब का जो हमारा खासियत होता है वो क्या होता है, सैलरी होता है। क्योंकि जाहिर सी बात है इसी के लिए अंततः बहुत सारे लोग इसी के लिए कुछ भी करना चाहते हैं, ठीक है, वेदर चाहे ये जॉब हो या कोई और जॉब हो। तो अगर सैलरी के बारे में बात करें तो इसका सैलरी ऐसा कुछ है नहीं कि मैं हर अलग अलग कॉलेजेस में कुछ अलग अलग सैलरीज होती है, चाहे आप हर इंडिविजुअल कॉलेजेस में थोड़ी अलग अलग सैलरीज होती है, बट यूजीसी का एक फिक्स सैलरी का स्ट्रक्चर है वो भी है, उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करवा दूंगा, ठीक है, वहां से आप देख सकते हो। बट अगर एवरेज सैलरी की बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो अराउंड आपकी 18,000, 80,000 से 90,000 स्टार्टिंग सैलरी होगी, ठीक है, 80,000 से 90,000 अगर ये स्टार्टिंग सैलरी है, सो दिस इज अ ह्यूज सैलरी, दिस इज अ ह्यूज, इतने पैसे आपके खाते में जाएंगे तो आपका मोटिवेशन जाहिर सी बात है बना रहेगा। और जैसे जैसे आपके पास एक्सपीरियंस होता जाता है, जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस होता है, अगर आप पीएचडी करके असिस्टेंट प्रोफेसर बने हो किसी यूनिवर्सिटीज में, तो जैसे जैसे आपके आपके रिसर्च पेपर पब्लिश होते चले जाते हैं, ठीक है, आपके अंडर पीएचडी स्टूडेंट आते जाते हैं, तो आपकी प्रमोशन भी होती है। लाइक असिस्टेंट प्रोफेसर में भी कुछ लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2 ऐसा करके लेवल होते हैं। उसके बाद जब प्रमोट होते हो आप, तो आप क्या बन जाते हो, एसोसिएट प्रोफेसर बन जाते हो। तो असिस्टेंट प्रोफेसर से जब आप एसोसिएट प्रोफेसर बनते हो ना, तो इन दोनों के सैलरी में काफी ड्रेस्टिक चेंज आता है। एसोसिएट प्रोफेसर की सैलरी असिस्टेंट प्रोफेसर के मुकाबले ऑलमोस्ट दोगुनी होती, मतलब अगर यहाँ पे आपको 90,000 है तो एसोसिएट प्रोफेसर में वो सैलरी 1,60,000 के अराउंड जाती है, ठीक है, ओके, या अराउंड 2 लाख रुपए, 2 लाख जाती है। उसके बाद जब एसोसिएट प्रोफेसर के बाद आपको और भी ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, और भी बच्चों को आप गाइड करते हो, टीचिंग्स को पढ़ाते हो, बच्चों को पढ़ाते हो, ठीक है, तो आप फिर प्रोफेसर बनते हो, ठीक है। तो प्रोफेसर आप थोड़े अंतिम पायदान पर पढ़ते हो, वहां पे आपको पढ़ाने के साथ साथ यूनिवर्सिटीज में कुछ जिम्मेदारियां भी अलग अलग आती है। जैसे अगर आप देख लो तो आपके जो एचओडी होते हैं किसी भी डिपार्टमेंट के, वो पढ़ाते भी हैं बट उनके साथ डिपार्टमेंट की और जिम्मेदारियां आती है। तो वैसे में प्रोफेसर जब आप बन जाओगे, असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर से जब प्रोफेसर बन जाओगे, तो आपके पास एडिशनल जिम्मेदारियां आएंगी, जाहिर सी बात है सैलरी में इजाफा होगा। अब सैलरी के साथ साथ पर्क्स क्या होते हैं, तो अगर आप अच्छे कॉलेजेस में हो तो वहां पे आपको आपका हाउस अलाउंस मिलता है, यानी आपके रहने का खर्च मिलता है, बहुत जगह फर्नीचर का कॉस्ट मिलता है, बिजली बिल भी आपका भरा जाता है। तो ये सारे पर्क्स हैं जो कि सैलरी के इर्द गिर्द ही घूमते हैं, ठीक है। हर यूनिवर्सिटीज में अगर आप आईआईटीज में असिस्टेंट प्रोफेसर लगते हो तो वहाँ के पर्क्स कुछ अलग होते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट आईआईटीज के भी अलग होते हैं, आईआईएससी के अलग होते हैं, अदर जो स्टेट लेवल के कॉलेज होते हैं वहां पे भी अलग होते हैं। ऐसा एग्जैक्ट फिगर नहीं है कि मैं ये बता दूं आपको, बट हाँ सैलरी बहुत बेहतर होती है। अगर अगेन आप अगर आईआईएससी वगैरह में देखोगे तो वहाँ पे 90,000, 93,000 से स्टार्टिंग सैलरी होती है, ठीक है। फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, जाहिर सी बात है हर जॉब में प्रमोशन होता है, यहाँ पे भी होता है, तो यहाँ पे पैसों पैसा काफी बेहतर है, ठीक है, इस प्रोफेशन में काफी पैसा बेहतर है। नाउ सेकंड जो पॉइंट आती है हमारे देश में वो क्या होती है, जॉब सिक्योरिटी। अब जॉब सिक्योरिटी एक काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है किसी भी जॉब के रेस्पेक्ट में, क्योंकि वर्ल्ड काफी डायनेमिक है। आप देख रहे हो कि नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, नए नए इंफॉर्मेशन आप सुन रहे हो, ठीक है। तो इस डायनेमिक वर्ल्ड में एक सिक्योर जॉब होना, एक सिक्योर इनकम सोर्स होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी दुनिया पैसिव इनकम की तरफ भाग रही है, बट फिर भी हमेशा बात की जाती है कि एक एक्टिव इनकम, एक फिक्स सोर्स जरूर हो आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एक गवर्नमेंट जॉब होती है, तो जाहिर सी बात है आपके पास फुल जॉब सिक्योरिटी है, कोई
फिक्र नहीं है, और जब आपके पास आपके नौकरी की फिक्र नहीं होती है तो आप काम को दुगनी मोटिवेशन से करते हो। ठीक है, तो देखो ये दोनों जो चीजें हैं वो तो बहुत सारे जॉब में मिलती है। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब ले लोगे अगर अच्छे ओहदे वाली, तो आपको सैलरी अच्छी मिल ही जाती है और जॉब सिक्योरिटी मिलती है। बट इसके अलावा वो कौन सी बातें हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर को और सारे गवर्नमेंट जॉब से अलग बनाती है? तो सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपके अंदर पढ़ाने की तो लालसा होनी ही चाहिए। ठीक है, पढ़ाने की तो लालसा होनी चाहिए, आपको बच्चों को सिखाने का लालसा होना चाहिए। ठीक है, आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए। उसके साथ अगर देखोगे तो इनका वर्क प्रोफाइल क्या होगा असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो ये तो बहुत सिंपल सा वर्क प्रोफाइल है अगर लेमन लैंग्वेज में कहा जाए तो। ठीक है, आपको पढ़ाना होता है, बिल्कुल भाई हमें पढ़ाना होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर को पढ़ाना होता है। बट अगर आप देखोगे तो इनका वर्क प्रोफाइल, अगर मैं इनका काम की बात करूं तो आपको 4 to 5 आवर्स पढ़ाने को देने होते हैं। उसके बाद के आवर्स जो है आप अपने अलग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आप अपने अलग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर सकते हो, बट ये सिर्फ 4 to 5 आवर्स में आप क्या करते हो, आप पढ़ाते हो, बट आप सिर्फ एक जेनरेशन को नहीं पढ़ाते, आप आने वाले लाइक एक आने वाले एटलीस्ट 4 जेनरेशन को एक असिस्टेंट प्रोफेसर गाइड करता है। तो वो हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहता है उनके बीच में, और जो आने वाले जेनरेशन है इनके बीच में जेनरेशनल गैप ना हो इसके लिए वो बहुत नई नई टेक्नोलॉजी से आपको क्या होगा रूबरू होना रहेगा, वो रूबरू होना रहता पड़ा होगा। जैसे अगर एग्जांपल लो, जो 1980s में IITs के प्रोफेसर थे और 1990 में या 2000 में, ठीक है, यानी आज से 20-25 साल पहले जो IITs में प्रोफेसर थे वो अभी भी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बट उनके अंदर कभी भी जेनरेशनल गैप नहीं देखने को मिलेगा आपको। अगर आप पढ़ने जाओगे ना तो वो आपसे आप ही के लैंग्वेज में बातें करेंगे, आपको आप ही के अनुसार समझाएंगे, तो वो जेनरेशनल गैप को कम करने होता। तो ये आपके वर्क प्रोफाइल में होता है कि आप उस जेनरेशनल गैप को कम करो। आप कैसे कम करोगे, क्योंकि आप पढ़ाने के दरमियान हो, आप शिक्षण के क्षेत्र में हो, तो जाहिर सी बात है आपको सारी चीजें सीखते रहना पड़ेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आपके पर्सनल ग्रोथ में बहुत ज्यादा काम आता है। आपका जो इन्वायरमेंट होता वो आसपास काफी पढ़े लिखे लोगों से, काफी बुद्धिजीवियों लोगों से होता, तो आपका जो खुद का थिंकिंग प्रोसेस है ना वो काफी ज्यादा डेवलप करता, बहुत ज्यादा बहुत बेहतर तरीके से क्या करता है डेवलप करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोचो आप IITs में किसी भी अच्छी जगह प्रोफेसर है तो आपका जो कन्वर्सेशन हो रहा है, जो कम्युनिकेशन हो रहा है, आप अगर मैथमेटिक्स के प्रोफेसर है आपका कम्युनिकेशन केमिस्ट्री के प्रोफेसर के साथ हो रहा है, इंग्लिश लिटरेचर के प्रोफेसर के साथ हो रहा है, फिजिक्स के लेक्चरर के साथ हो रहा, तो ये जो कम्युनिकेशन का एडवांटेज आपको मिल रहा है वो किसी अदर जॉब में नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पे ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ अगर हम फाइनल देखें सोसाइटल स्टेटस की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब का तो एक अलग ही होता है, गवर्नमेंट जॉब का तो हमारे समाज में ओहदा अलग ही है। उसमें भी अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर हो तो इसका एक अलग ही रुतबा है, असिस्टेंट प्रोफेसर हो। इवन मैं यहाँ तक कर सकता हूँ कि ये एक ऐसी जॉब है जिसका कंपैरिजन किया जाता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से, IAS की जॉब से इसका कंपैरिजन किया जाता है। लोग मतलब कंपैरिजन करते हैं प्रोफेसर और IAS को, कैसे कंपैरिजन करते हैं, तो जो इनका एक अलग रुतबा होता है IAS में, जाहिर सी बात है IAS वगैरह की जॉब में आपको ज्यादा बक्स मिलते हैं, बट सोसाइटी इसका कंपेयर करती है तो सोच सकते हो कि ये जॉब कितना बड़ा है, कितना बेहतरीन जॉब है ये। और भी अगर देखा जाए, अगर आप और भी मैं अलग अलग चीजों की बात करूँ, तो असिस्टेंट प्रोफेसर में आपको आपके रिसर्च के लिए, अगर आप रिसर्च कर रहे हो PhD के बाद रिसर्च कर रहे हो, आपके अंदर डॉक्टरल स्टूडेंट है, तो आपको ग्रांट भी मिलती है, आप फॉरेन में भी कुछ वक्त के लिए जाकर रिसर्च कर सकते हो, अलग अलग सेमिनार के लिए फॉरेन विजिट कर सकते हो, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। ठीक है, अब असिस्टेंट प्रोफेसर जाने का रास्ता कहाँ से शुरू होता है, तो जाहिर सी बात है फर्स्ट आपको ग्रेजुएशन करनी होती है, जाहिर सी बात है जो भी सब्जेक्ट में आपका ऑनर्स है या जनरल ग्रेजुएशन है, फिर आपका स्पेशलाइजेशन पोस्ट ग्रेजुएशन करना होता है। अब उसके बाद आपको CSIR नेट का एग्जाम देना होता है, CSIR नेट का एग्जाम जो अभी रिसेंटली दिसंबर में हुआ है, उसका रिजल्ट भी आने वाला है बहुत ही जल्द, तो आपको CSIR का पेपर देना होता है उसके लिए। ठीक है, और CSIR के पेपर के बाद अलग अलग यूनिवर्सिटीज में वैकेंसीज निकलती है जहां आपको अप्लाई करना होगा, इंटरव्यू होगा। दूसरा तरीका क्या है कि अगर आप PhD करके भी, बहुत सारे कॉलेजेस बहुत सारे यूनिवर्सिटीज ऐसे हैं जो मिनिमम PhD मांग रही है, तो आप CSIR नेट गेट का एग्जाम देकर आप PhD कर सकते हो। PhD के बाद आप PhD की जब डिग्री आपके हाथ में होगी तो फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हो, अलग अलग कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हो। तो इस CSIR नेट और गेट का जो एग्जाम है, अभी जो भी बच्चे पेपर दिए होंगे अगर उनका हो रहा है तो बहुत बहुत बधाई उनको, वो अगर अच्छे मार्क्स ला रहे हैं तो बहुत बहुत बधाई,
बट जो भी बच्चे जिन्होंने काफी मेहनत की थी बट किन्हीं कारण से उनका नहीं हो पाया, तो कोई बात नहीं, आप अपनी गलतियों को समझें और अपनी गलतियों को सुधारें। नेक्स्ट अटेम्प्ट में जाहिर सी बात है उस वक्त आपका होगा, और उस वक्त के बाद आप अपने असिस्टेंट प्रोफेसर के बनने को सपने को साकार कर सकते हो। इसमें हम आपकी मदद करने के लिए लेकर आए हैं लव टू सिलेक्शन, मेरा प्यार ऑफर, वैलेंटाइन की तो नहीं बट सिलेक्शन की यहाँ पे गारंटी है, और काफी ह्यूज डिस्काउंट है। इस डिस्काउंट को अवेल करने के लिए आपको क्या यूज करना है, कूपन कोड रमन यूज करना है, इसके बाद आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये जानकारी काफी महत्वपूर्ण लगी होगी। सो आपका जो भी और भी जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी क्वेरीज है, आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हो, हमें बहुत खुशी होगी आपके कमेंट को आंसर करके, आपके डाउट्स को आंसर करके। थैंक यू बच्चों, थैंक यू बच्चों।